पैट कमिंग्स की सॉलिड प्लानिंग एक और बार इंडियन पिचेस पे और एक और बार उसकी टीम जीत गई। ये कमाल की इन टू द पिच गेंदबाजी की थी। जयदेव उनादकट को भी जब 10 ओवर के आसपास लेके आए वो भी उनका प्लान बहुत अच्छा था, क्योंकि जानते कि जयदेव उनादकट की ताकत स्लो वन है, वो बहुत अच्छा था। और अभिषेक शर्मा की बैटिंग, मुझे लगा पावर प्ले में उनकी जो बैटिंग थी वो बहुत काम आई, क्योंकि अगर उनकी इनिंग इतनी तेज 300 के स्ट्राइक रेट से ना आती तो आखिर में देखा कि उनको थोड़ा सा ना धड़बड़ करना पड़ा और अननेसेसरी था मुझे लगा बीच में, कि उनको इतना ज्यादा धड़बड़ करने की जरूरत नहीं थी, शाबाज को ऊपर भेजने की जरूरत नहीं थी, बल्लेबाजों को ही भेजने की जरूरत थी। लेकिन जो 19वें ओवर में जो चेस किया वो अगर अभिषेक शर्मा की इनिंग नहीं आती तो शायद और ज्यादा दिक्कत में आ सकते थे। महेंद्र सिंह धोनी मुझे लगा ऊपर बल्लेबाजी कर सकते थे, क्योंकि इनटू द पिच जो गेंदबाजी चल रही थी वहां पे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए गेंद बाहर जा रही थी। उनादकट को भी धोनी ने बहुत अच्छे से पहले खेला, तो अगर धोनी पहले आते तो मुझे लगता है कि स्कोर जो था सीएसके का वो और ज्यादा बड़ा हो सकता था।